हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। ये कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा चर्चे में है भाई, बहुत महीनों से चर्चे में चल रहा है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कि अगर उसका गलत इस्तेमाल होने लगा तो वो दुनिया को भी नष्ट कर देगा, या फिर उनके अंदर सोचने समझने का क्षमता आ गई तो वह अपने आप को हमारा गुलाम मानने लगेंगे, तो हमसे आज़ादी पाने के लिए हम ह्यूमंस को भी मारने लगेंगे। फिर चलिए चलते हैं टॉपिक पर। आपने ChatGPT के बारे में तो सुना ही होगा, जिसके 5 दिन में ही 10 लाख यूजर हो गए थे, जहां पर Netflix को 1 साल, Instagram को 2.5 महीने, बाकी के प्लेटफॉर्म को इससे ज़्यादा टाइम लगा था 10 लाख यूजर गेन करने में। वहां पर इस ChatGPT ने मात्र 5 दिन के अंदर ही 10 लाख यूजर गेन कर लिए। यहाँ पर ये ChatGPT भी एक AI प्लेटफॉर्म है जिसका आप उपयोग कर सकते हो अपने सवालों का जवाब ढूंढने के लिए। यहाँ पे आपके सवालों को सटीक जवाब मिलता है। आइए जानते हैं कि फ़ायदे और नुकसान। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बहुत सारे फायदे हैं, जैसे कि कम टाइम में ज़्यादा काम करना। हम किसी टाइम काम को करने में 1 घंटा 10 घंटा लगा देते हैं, AI उन कामों को मिनटों में कर देता है। हमसे गलती होने का चांस है, लेकिन AI से गलती होने का चांस बहुत कम होता है। इम्पॉसिबल चीज़ों को भी पॉसिबल कर सकते हैं हम AI से। जिस चीज़ के फायदे होते हैं गाइस, उस चीज़ का नुकसान भी होता है। तो आइए जानते हैं AI के कुछ नुकसान के बारे में। तो AI के आने से बहुत सारी जॉब खतरे में आ सकती हैं, जैसे कि ग्राफिक डिजाइनिंग, फोटो एडिटिंग, कोडिंग वगैरह वगैरह। आउट ऑफ कंट्रोल हो जाने पर यह दुनिया को भी ख़त्म कर सकता है। सदी के सबसे अमीर इंसान एलोन मस्क का मानना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे लिए एक न्यूक्लियर मिसाइल से भी ज़्यादा खतरनाक है। AI के रेस में बहुत सारी कंपनियां एंटर कर रही हैं। क्या फ्रेंड्स, आपको पता है कि सोफिया नाम की एक रोबोट, जिससे पूछा गया कि क्या तुम हमें फ्यूचर में ख़त्म कर दोगी, तो उसने कहा कि हम तुम्हें ख़त्म तो नहीं करेंगे, लेकिन तुम्हें एक जेल में बंद करके रख देंगे। भाई ये सुनकर वहाँ के सारे लोग शोक हो गए कि हमारा क्रिएशन हमें ही मारना चाहता है या फिर कैद करना चाहता है। फ्रेंड्स, आप सोच सकते हैं कि AI हम ह्यूमंस के लिए कितना खतरनाक हो सकता है। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।